अस्सलाम वालेकुम यासीन निज़ामी एक छोटा सा रैंडम थॉट आया जहन में सोचा आप लोगों लोग शेयर करता चलूँ पेरेंटिंग एडवाइस है ठीक है वो ये कि अपने बच्चों को कभी भी आप कोई प्रोफेशन चूज़ करने में फ़ोर्स ना करें क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में बड़ा हो रहा था आ, हो सकता है अब ट्रेंड हो सकता है चेंज हो गया हो पाकिस्तान के अंदर लेकिन जब मैं बड़ा हो रहा था पाकिस्तान में ये बात है अर्ली टू थाउजेंड की तो एक प्रेशर सोसाइटी का होता था कि कज़न्स और आपके आपके जो फ्रेंड्स हैं अगर आपने नाइन मैट्रिक में इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ले लिया है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में इनरोल कर सकें यानी कि एन यूनिवर्सिटी हो या सर हो या क्राच यूनिवर्सिटी हो तो किसी भी आपने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो एक प्रेशर होता था अच्छा उसमें होता ये कि आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते कि भाई मेरा ख़ुद का इंटरेस्ट किस चीज़ में है आपको उस तरह से गाइडेंस उस तरह की काउंसलिंग नहीं मिलती थी कोई चांस ही नहीं होता था उस तरह का आप पे आपको एक एक लाइन दे दी गई है भाई आपने इस लाइन पे चलना है तो होता ये है कि जब आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता ना आप बाय फोर्स किसी चीज़ में घुस तो जाते हैं लेकिन आप उसमें एक्सेल नहीं कर पाते आप उसमें हंड्रेड परसेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते ठीक है तो वो क्वालिटी ऑफ वर्क जो आप दे सकते हैं अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर वो नहीं दे पाते अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं जब पढ़ा रहा था तो मेरा आ, मुझे खुद पता नहीं था मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है ठीक है मैं घुस गया इंजीनियरिंग के अंदर इंजीनियरिंग कर ली फील्ड में भी आ गए जॉब्स भी कर ली कंट्रीज चेंज कर ली सब कुछ लेकिन मुझे बहुत देर बाद पता चला कि भाई मेरा इंटरेस्ट शायद फाइनेंस में है और वो इस तरह पता चला कि जब मैं कोई इंटरेस्ट की चीज़ पढ़ता हूँ यानी कि अपने फाइनेंस का को कोई ब्लॉग पढ़ता हूँ या कोई इकॉनमिक्स का को ब्लॉग पढ़ता हूँ या थोड़ी बहुत रिसर्च करता हूँ तो मुझे चीज़ें इस समझ में आना शुरू होती हैं तो फिर आपको अंदाजा होता है कि यार किस जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है ना उसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको अपनी ब्रेन पावर ज़्यादा खर्च नहीं करनी पड़ती क्योंकि आपको ख़ुद ब खुद बहुत चीज़ें जो हैं वो समझ में आना शुरू आती हैं तो एक पेरेंटिंग एडवाइस है कि अपने बच्चों को कभी भी पुश ना करें फोर्स ना करें कोई प्रोफेशन चूज़ करने में पहले तो आप एक्सप्लोर करें कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है बाजा अवत आपको नहीं पता चलता बच्चे को ख़ुद पता नहीं चलता कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है तो आपको उसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं तो हिट एंड ट्राई वाला एक एक तरीका है कि आपने हिट करना है दीवार पे किसी चीज़ को क्या आपने देखना कौन सी चीज़ टेक हो रही है तो जब आप थोड़ा सा ये लेंजी प्रोसेस होता है कभी कभार लेकिन इसका फ़ायदा बहुत होता है एंड में अगर आप किसी चीज़ में अपने बच्चे को पुश नहीं करेंगे लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि भाई इसका इंटरेस्ट इस चीज़ में है दैन दैट्स द बेस्ट थिंग उसमें फिर आप उसको जो है हेल्प करें उस उस एक्टिविटी में जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसको एक्सेल करने में ऑफ कोर्स हमारे माशरे में कुछ रिस्ट्रिक्शंस uh, भी हैं कि हमने हर चीज़ में तो अपने बच्चे को पुश नहीं करना लेकिन एक वाइड वेराइटी ऑफ ऑप्शन हैं जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने बच्चे का इंटरेस्ट तो उसमें अपने आप अपने बच्चे को आप हेल्प uh, करें एक्सप्लोर करने में लेकिन पुश ना करें पुश करेंगे तो उसकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है क्योंकि उसको पता चल गया कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे पुश कर रहे हैं कि मुझे इसी में चलना है हैं दैन उसका जो विजन है वो बहुत नैरो हो जाता है तो एक पेरेंटिंग एडवाइस छोटी सी अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा और अपने बच्चों को एक्सप्लोर करें उनकी इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें और उनको उसमें हेल्प करें कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है ताकि वो उसमें आगे जाके अपना हंड्रेड परसेंट परफॉर्मेंस दे सकें थैंक यू वेरी मच